और अयोध्या सिंगार में अवैध मदरसों पर शिकंजा देखने को मिला। मदरसा संचालक समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया गया। मस्जिद की बिल्डिंग में परमिशन के बिना ही मदरसा संचालित है। मदरसे में 35 बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। मदरसे में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा गया है। मदरसा संचालक समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मस्जिद की बिल्डिंग में बिना परमिशन के मदरसा संचालित था और इस मदरसे में करीब 35 बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों को किसी भी तरह की सुविधा इस मदरसे में नहीं मिल रही है। अनधिकृत रूप से मदरसा चलाना अवैध है, ये सबको पता है। हमको एक जानकारी में आई थी थाना बुलबट्टा क्षेत्र में कि अनधिकृत रूप से मस्जिद का सेकंड फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके। उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा ASI गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तुरंत हमारा SO भी गए वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि 25 से 25 आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को सबको पढ़ाया जा रहा था अनधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो सेकंड फ्लोर में, मस्जिद का सेकंड फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं, 27 अक्टूबर से चलेगी कोर्ट।